इलेवन एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 13 आपको इसमें दिया है एक फ्लावर बेड है, यहाँ बीच में ये फ्लावर बेड है, ठीक है। फ्लावर बेड का मतलब होता है कि यहाँ पर खूब सारे फ्लावर्स लगे हुए, इसके चारों तरफ ये 4 मीटर चौड़ा आपको पाथ दिया हुआ है। आपको ये जो पाथ है इसका एरिया निकालना है। पहले बाहर वाले सर्किल का एरिया निकालो, अंदर वाले सर्किल का एरिया निकालो और दोनों को माइनस कर दो। बाहर वाले का एरिया हुआ ये, अंदर वाले का एरिया हुआ ये, दोनों को अगर हम माइनस करेंगे, दोनों में से पाई कॉमन ले लिया, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर कैसे निकालेंगे, आर हमेशा सेंटर से लेते हैं, रेडियस हमेशा सेंटर से लेते हैं, सेंटर है ये, सेंटर से यहां तक बाहर वाले सर्किल का लेना है तो हम बाहर तक जाएंगे, ठीक है। इट इज 33 + 4 दैट इज 37, यानी कैपिटल आर की वैल्यू हो गई 37। स्मॉल आर हुआ यहां से यहां तक केवल, दैट इज 33। दोनों वैल्यूज यहां फॉर्मूले में पुट करेंगे, पाई की वैल्यू ये रखी, कैपिटल आर 37 था इसका स्क्वायर, स्मॉल आर 33 था उसको 33 रखेंगे। जब आपके दो नंबर्स का ऐसे स्क्वायर आ जाता है तो उसको सॉल्व करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप 37 का स्क्वायर करो पहले, फिर 33 का स्क्वायर करो, फिर दोनों को माइनस करो। इसका दूसरा तरीका ये है कि दोनों नंबर को एक बार ऐड कर दो, दोनों नंबर को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो यू गॉट द सेम आंसर, ठीक है। तो हमने इन दोनों को ऐड किया तो 70, सब्ट्रैक्ट किया तो 4, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वन इज द आंसर।